हेलो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। स्टार्टअप मंत्र एक ऐसा शो जहां पर हम सेलिब्रेट करते हैं भारत की स्टार्टअप जर्नी को, उन स्टार्टअप्स को जिन्होंने कामयाबी की एक नई कहानी लिखी है, जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया है, लोगों को एक तरह की प्रेरणा दी है। जी हां, हमारी कोशिश यही होती है कि स्टार्टअप की दुनिया की बारीक बातों को बेहद आसान भाषा में हम आपके सामने लेकर आए। कोशिश हमारी ये भी होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस पूरे सेक्टर की, इस पूरे कारोबार की जो चैलेंजेस हैं और संभावनाएं हैं, उनके बारे में भी सही सही जानकारी दें। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ दिग्गज भी जुड़ते हैं, तो दिग्गजों की जुबानी हम कामयाबी की कहानी आपके सामने रखते हैं। तो आज के शो में ऐसे ही दो बड़े स्टार्टअप्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जुड़ते हैं arya.ag के co-founder और CEO हमारे साथ प्रसन्ना राव साहब जुड़े हैं। और अगर हम बात करें arya.ag की, तो ये लीडिंग एग्रीटेक प्लेटफॉर्म है, लीडिंग एग्रीटेक स्टार्टअप है, जिसने एक तरह का बहुत बड़ा बदलाव लाया है। और कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरह की सोच थी और किस तरह से वो नए लोगों को प्रेरणा देने वाले हैं, इन सभी पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे प्रसन्ना राव से। प्रसन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के बारे में जो जितनी जानकारियां अवेलेबल थी वो देख रहा था, और वाकई बहुत अलग अलग पहलुओं से आपने इसको खड़ा किया है और उन समस्याओं पर फोकस किया है जो शायद अब तक एड्रेस नहीं की जा रही थी, जिन जो समस्याएं मौजूद तो थी लेकिन उसको बड़े पैमाने पर कैटर नहीं किया जा रहा था। जरा सबसे पहले बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की सोच क्या थी और इससे पहले आप क्या कर रहे थे। जैसे आपने कहा कि स्टार्टअप का जो एक जर्नी होती है उसमें बिल्कुल कुछ ऐसी यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं, और खास हमारी जो कहानी है उसमें ये था कि मैं और मेरे जो co-founders हैं चट्टनाथन और आनंद, हम तीनों ICICI बैंक में साथ में काम करते थे, और जो ग्रामीण बैंकिंग विभाग है उसमें हम तीनों एक साथ काम करते थे। और मेरा जो काम था, हम उसमें जो कृषि से जुड़े हुए व्यापारी और ऐसे प्रोसेसर्स हैं उनको हम ऋण देते थे बैंक के जरिए। और जब हम वहाँ काम करते थे, हमने देखा कि ये जो ऋण था, ये जो लोन्स थे, ये सारी सिर्फ बड़े व्यापारियों को ही मुहैया होते थे। और जैसे ही आप थोड़े छोटे किसानों की तरफ जाते थे या गांव में थोड़े अंदर छोटे गांव में आप जाते थे, तो वहाँ पे ये जो फैसिलिटीज हैं या ये ऋण जो था वो उनको उपलब्ध नहीं था। और हमने कोशिश किया बैंक में होते हुए, हमको बैंक ने बहुत सहयोग दिया था उस समय में। हम अपने कार्य उस तरीके से करते थे कि हम कुछ, हमारे पास भी ऐसी आज़ादी थी कि हम अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स लेके आ सकते थे, पर हमने ये देखा कि वो वहाँ पे बड़े बैंकों में वो किसी तरीके से संभव नहीं हो पाया। तो हमने यही सोचा कि अगर यही चीज़ें जो बड़े व्यापारियों को बड़े मार्केट्स में, बड़े मंडियों में उपलब्ध है, क्या हम उसको छोटे किसानों तक ले जाएं। और उस समय हमको ये ध्यान आया कि अगर हम कुछ ऐसा कर सके कि यही सुविधाएं जो बड़े व्यापारियों को, बड़े एंटिटीज को जो बड़े बड़े बाजारों में उपलब्ध है, वही किस तरीके से हम छोटे किसानों तक ले जाएं। और उस तरीके से हमारा ये सफर जो है वो शुरू हुआ था। ये हमने करीबन 2013 में शुरू किया, तो अब हम करीबन 10 साल हमें इस सफर में हो चुका है, और हमें बहुत गर्व है कि हम थोड़ा सा तो कुछ चेंज इस चीज में लेके आ सकें। बिल्कुल प्रसन्ना जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जरा अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए, किस तरह का स्टार्टअप है। एग्रीटेक में तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं, लेकिन आप किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस कर रहे हैं और कामकाज आपका किस तरह का है? हम अपने आप को एक एग्रीटेक स्टार्टअप कहते हैं। तो जिस समय में आप टेक्नोलॉजी को किसी समस्या के साथ जोड़ते हैं और उसको आप उस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसमें जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, जो पुराने विचारधारा बनी हुई इतने सालों से, उसको आप जब बदलना चाहते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर आती है। लेकिन अगर आप इस पूरे चीज को देखें, तो उसमें अगर
आप कुछ ऐसे समस्याओं का निवारण करना चाहते हैं जो कि उनके लाइफ में, जो आपके कस्टमर के लाइफ में बहुत जरूरी है, तो आप इस चेंज को जरूर हासिल कर सकते हैं। तो हमने जब अपनी सफर शुरू की थी करीबन 10 साल पहले, तो हमने ये देखा कि दो ऐसे खास प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं जो किसानों के को बिल्कुल भुगतना पड़ता है। एक ये है कि जो छोटे किसान हैं, और भारत में हमारे पास 85% से ज्यादा जो किसान हैं वो लघु किसान कहलाते हैं, और उनके पास एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको ये आज़ादी नहीं होती कि वो अपना उपज जो है वो कब उसको बेचना चाहते हैं। मोस्टली यही होता है कि जैसे ही उन्होंने अपना हार्वेस्ट किया, उनको अपनी फसल जो है उसी समय में बहुत ही कम दरों पे बेचना पड़ता है, क्योंकि उनको उन पैसों की बहुत जरूरत होती है। तो इसलिए उनके पास कभी ये आजादी नहीं होती थी कि वो ये तय कर सकें कि उनको अपना जो फसल है वो उनको कब बेचना है, क्योंकि जैसे ही आपने हार्वेस्ट किया उसी समय में सारा हार्वेस्टिंग पूरे देश में एक ही साथ हो रहा होता है, तो किसान को जो भाव मिलता है बहुत कम मिलता है क्योंकि सप्लाई ज्यादा होती है। और अगर वो किसान के पास ऐसी आजादी हो कि वो कुछ महीनों तक ये जो उसका डिसीशन है वो रोक सके, कि वो कुछ महीनों बाद उसके फसल को बेच सके, तो उसको कम से कम 30 से 40% ज्यादा कीमत मिलती है, और ये आजादी किसानों के पास नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि जब वो बेचता भी था तो उस समय में वो सिर्फ उन्हीं लोगों को, उन्हीं व्यापारियों को बेच पाता था जो कि उसी के गांव में आके उसका माल ले जाते थे, या उसको अपने फसल को एकदम नजदीकी मंडी तक ले जाके वहां बेचना पड़ता था। तो ना उसके पास ये आजादी थी कि वो ये तय कर सकता था कि उसको अपनी फसल कब बेचनी है, और उसके साथ साथ उसके पास ये भी आजादी नहीं थी कि वो ये तय कर सके कि उसको ये माल किसको बेचना था। तो हमने खास इन दो समस्याओं पे अपना ध्यान दिया, और हमने कहा कि अगर हम किसी तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इन दो समस्याओं को अगर दूर कर सके तो हम जरूर किसानों के जीवन में कुछ चेंज लेके आ सकते हैं। तो हमने उस तरीके से हमारा जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि हम क्या करना चाहते हैं, उसमें हमने ये देखा जरूर कि किसानों को इन नए तकनीकों को यूज करने में तकलीफ जरूर आई, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि इन छोटे से प्रॉब्लम्स को, जो उनकी इमीडिएट शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम्स थी, अगर वो उसको किसी तरीके से सॉल्व कर पाते तो उनकी जो बड़ी जरूरतें थी वो पूरी हो सकती थी। तो हमने ये देखा कि एक ही सीजन में, मान लीजिए कि 6 से 9 महीने के अंदर, अगर किसान को ये दिखता है कि उसको 20 से 40% ज्यादा आमदनी होती है, तो वो किसान अपने आप ही हमारे साथ जुड़ने में तैयार होते हैं। तो हमारे साथ ये जरूर बहुत बड़ा फायदा रहा कि हम हर सीजन दर सीजन ये उनको प्रूव कर सके कि उनको हमारे साथ जुड़ के, इन नए तकनीकों के साथ जुड़ने के बाद उनको ये फायदा होता रहा। और हमने अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी या जो भी हमारे सॉल्यूशंस थे, उसको हमने इस तरीके से बनाया कि उसमें बहुत कम आ, आ, किसान को एक चेंज उनके जीवन में लाना हो, इस तरीके से हमने उसको प्रस्तुत किया उनके सामने। तो जरूर ये परेशानियां रही, और सिर्फ किसानों के साथ ही नहीं, हम जैसे अगर किसान को ये कहते हैं कि हम आप अपना स्टॉक जो है, अपनी फसल जो है कहीं रखिए कुछ महीनों तक, ताकि आप ये तय कर सकें कि आप इसको कब बेचना चाहते हैं, तो इसमें और भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। वो जो गोदाम के ओनर्स हैं वो जुड़ते हैं, बैंक जुड़ते हैं, क्योंकि उसी स्टॉक के अगेंस्ट में किसान को इमीडिएटली एक ऋण मिल जाता है जिससे कि उनका काम चल जाता है 3-4 महीने के लिए बहुत कम दर पर। तो इसमें बैंकों को भी को जोड़ना था हम लोगों को, साथ में जो खरीदार थे उनको भी उस प्लेटफॉर्म पे लाना था, ताकि वो भी किसानों के साथ उस लेवल पे जाके बात कर सकते थे जिससे कि किसान को भी उनके साथ जुड़ने में आसानी हो। तो ये पूरे इकोसिस्टम को साथ लाना था। तो जरूर कुछ दिक्कतें तो जरूर हुई, लेकिन हमारा यही मानना है कि अगर
आपके सल्यूशन में कुछ ऐसा हो जो कि कुछ ऐसी बेसिक समस्याओं को दूर करे जो कि उनके जीवन में एकदम करीबी है, तो जरूर किसान आपके साथ जुड़ते जाते हैं और बाकी के लोग भी जो इकोसिस्टम में साथ में हैं वो भी जुड़ते जाते हैं। तो वाकई ये बहुत ज़रूरी था कि किस तरह का कारोबार और कामकाज Arya.ag करती है, इसके बारे में प्रसन्ना जी ने हमको पूरी जानकारी दी। प्रसन्ना जी, किसी भी कारोबार में शुरुआती तौर पे या काम करते वक्त बहुत सी चुनौतियां आती हैं, और उनके बारे में जानना इसलिए भी आवश्यक है ताकि जो लोग इस वक्त आपको देख सुन रहे हैं उनको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से इन चैलेंजेस का सामना करना है। तो ज़रा बताएं इस पूरे आपके आपके स्पेसिफिकली स्टार्टअप में किस तरह के चैलेंजेस मौजूद हैं। देखिए, समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जैसे आपने कहा, स्टार्टअप एक आइडिया से शुरू होता है, तो एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते आप ये जरूर सोचते हैं कि आपके आइडिया में बिल्कुल दम है और आपका आइडिया बिल्कुल सफल होगा, लेकिन आप किस तरीके से बाकी लोगों को उस आइडिया के साथ जोड़ सकते हैं, बाकी लोगों को उस आइडिया के बारे में कन्विंस कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती आती है। तो जैसे हमने जब शुरू किया था तो हमने कहा कि भाई हम छोटे लघु किसानों के साथ काम करेंगे, उनके संस्थाओं के साथ काम करेंगे जो बहुत ही छोटे व्यापारी हैं, छोटी छोटी मंडियों में और छोटे गांव में उनके साथ काम करेंगे। तो सबसे पहली हमें ये दिक्कत आई कि हम कैसे अपने पार्टनर्स को समझाएं, अपने एम्प्लॉइज को समझाएं, हमारे खुद के लोगों को समझाएं कि ये एक लाभदायी बिजनेस मॉडल है, कि इससे ये नहीं है कि हम बस कुछ करेंगे और उसके बाद जो भी हमने पूंजी इकट्ठा करी है वो सारी की सारी उसी में खत्म हो जाएगी और वो एक वायबल, एक लाभदायी बिजनेस मॉडल बनेगा। तो सबसे पहली दिक्कत तो वहीं पे आती है। अब उसके बाद जैसे आपने कहा कि आप एक नए आइडिया के साथ जा रहे हैं, और अब जब उस नए आइडिया के साथ जाते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग आपका इंतजार करते हुए वहां बैठे हुए हैं कि अब कोई आएगा और हमारे ये समस्याएं जो है वो इमीडिएटली सॉल्व कर देगा। तो आपको उन नए तरीकों को वहां पे ले जाना पड़ता है और उनको समझाना पड़ता है कि ये दिक्कत, ये जो आपकी दिक्कतें हैं या आपकी ये समस्याएं हैं वो इस तरीके से भी इनको देखा जा सकता है। और हम जब ये कहते हैं तो हमको उनके सच्चाई में उनके साथ जुड़ना पड़ता है, हम अपने आइडियाज को लेके नहीं जा सकते कि बस यही तरीका है और आप कर लीजिए। तो आप जब किसानों के साथ जुड़ते हैं तो आपको किसान की सच्चाई समझनी पड़ती है और उसके साथ फिर अपने आप को जोड़ना पड़ता है। और तीसरी जो एक और समस्या आती है, हर स्टार्टअप के सफर में जरूर ऐसी चुनौतियां आती हैं कि भाई जो आप करना चाहते हैं वो कुछ नया है जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, काफी रिसोर्सेज की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपके साथ जुड़ेंगे तभी ये काम आगे हो सकता है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो पूंजी है उसको रेस करने के लिए भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, सरकार में जो बाकी गैर सरकारी संस्थाएं उनके साथ भी जुटना पड़ता है, और उनको जिस तरीके से आप कन्विंस कर पाए वो एक जो इनिशियल 1-1.5 साल का जो सफर रहता है वो काफी आपको जरूर टेस्ट करता है और आपकी परीक्षा लेता है कि आप एज एन एंटरप्रेन्योर किस तरीके से इन इन समस्याओं से उभर पाते हैं। बहुत खूब प्रसन्ना जी, और मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, जैसा हम हमारी कोशिश होती है कि लोगों को इंस्पायर और इन्फॉर्म्ड रखें, तो ज़रा बताइए कि आप जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं उनको स्टार्टअप के बारे में मूल मंत्र क्या देंगे, क्या बातों किन बातों का खास ख्याल यंग एंटरप्रेन्योर्स को रखना चाहिए? एक तो सबसे पहले आपका जो आइडिया है उसका जो बिजनेस मॉडल है उसको अपने दिमाग में एक क्लैरिटी के साथ उसको बनाया जाए, ताकि किसी दूसरे से, दूसरे व्यक्ति से पहले आप खुद उस पर पूरी तरीके से कन्विंस्ड हैं कि आप इसको जब आप करेंगे तो इससे आपका तो फायदा होगा ही होगा पर उसके साथ साथ जो आपके कस्टमर हैं उनका भी बिल्कुल फायदा हो। और उस हिसाब से जब आप वो बिजनेस मॉडल बनाते हैं जिससे कि आप उसको अलग अलग नजरिए से भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि जो भी आप बिजनेस मॉडल बनाएंगे जो आपकी सोच है वो हमेशा सही होगी, आप उस सफर में आपको बहुत सारे समय अपने मॉडल को भी चेंज करना पड़ेगा।
जिस तरीके से आप देखें कि कब कौन सी ऐसी विपदा आ जाए, कोई सी कौन सी ऐसी दिक्कत आ जाए जिसकी वजह से आपका मॉडल इतना फ्लेक्सिबल हो कि वो उन दिक्कतों के बावजूद आगे बढ़ सके। तो एज एन एंटरप्रेन्योर ये जो सिनेरियो एनालिसिस है, एक सेंसिटिविटी एनालिसिस हम उसको कहते हैं, जिसको हम एक साथ जोड़ते हैं और जोड़ के फिर उसके हिसाब से अपना मॉडल बनाते हैं और उसके हिसाब से हम काम करते हैं। और आप अगर ये मॉडल आपका तैयार है तो आपको फाइनेंसिंग या फंडिंग जरूर मिलती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो आपके साथ जुड़ते जाते हैं इस सफर के अंदर। फिर उसके बाद जब आपने ये आइडिया बनाया, उस आइडिया का एक इम्प्लीमेंटेशन जो फेज है, इनिशियल फेज में कि आपका ये आइडिया काम कर रहा है, उसके ऊपर भी आपको काफी ध्यान देना पड़ता है, ताकि जो आप में लोग विश्वास करेंगे वो ये देख के विश्वास करेंगे कि ठीक है, आपका एक आइडिया था जो कि बिल्कुल सही था, उसके साथ साथ जब आपने उसको इम्प्लीमेंट किया तो वो भी आपने प्रूफ करके दिखाया कि वो काम कर रहा है। तो ये दो चीजें जब होती हैं तो आपको फंडिंग का सपोर्ट भी जो है वो मिल जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये देखते हैं, ढूंढते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जो कि एक अच्छे सोच के साथ आते हैं, उनकी क्लैरिटी रहती है और साथ में उन्होंने ये करके भी एक लेवल पे दिखाया होता है जिससे कि लोग आपके साथ और जुड़ते हैं। और जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अब आहिस्ते आहिस्ते जैसे पिछले 1-1.5 साल में आप देख रहे हैं कि स्टार्टअप फंडिंग में ये दिक्कत आ रही है, कि हम फंडिंग विंटर की बात करते हैं, वो बिजनेसेस जो कि एक बहुत वायबल तरीके से बनी है, जिसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमें खर्चा करना है, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये एक व्यवसाय है और व्यवसाय में वो तभी आगे बढ़ पाता है जब उसमें वापस आपको आमदनी हो रही है। तो जब तक आपके पास ऐसा बिजनेस मॉडल है कि आप ये उसको प्रूव कर सकते हैं कि आपका काम हो भी रहा है, लोग उससे जुड़ते भी जा रहे हैं और साथ में आप अपने व्यवसाय में एक आमदनी भी कर रहे हैं, तो आपको फंडिंग रेज करने में उतनी दिक्कत नहीं होती है। भले ही थोड़े से ऐसे स्लो डाउन के मोमेंट जरूर आते हैं, लेकिन आपकी जो बिजनेस मॉडल है वो अगर सशक्त है तो आपको फंडिंग की कमी एटलीस्ट मेरे नजर में होते हुए नजर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्ना जी हमसे जुड़ने के लिए और आपके कारोबार के लिए और आपके आगे की योजनाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम यही चाहते हैं कि एक बड़ा बदलाव आपका स्टार्टअप लाए जिससे किसानों की स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो। स्टार्टअप की बात और अब हम